बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज टेस्टी बाइट में बन रहे हैं मज़ेदार से आलू बैगन, वो भी नए स्टाइल में। इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम बैगन, 250 ग्राम आलू, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं इसे मैंने कट कर लिया, 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं इसे मैंने स्लाइस कर लिया है, और 3 से 4 टेबल स्पून दही है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक है, 3 अदद हरी मिर्चें इसे मैंने कट कर लिया है, 1 टी स्पून ज़ीरा, कुछ लीव्स कड़ी पत्ते के हैं, और कुछ ड्राई मसाले हमें चाहिए जिसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, और 1 टेबलस्पून मैंने अचार का मसाला लिया है। अब हमने पतीली में आधी प्याली ऑयल ऐड कर दिया, इसमें हम ज़ीरा और कड़ी पत्ते ऐड करेंगे और थोड़ा फ्राई करेंगे। जब इसमें खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। ये देखें जीरे में खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब इसमें फिर प्याज ऐड कर रही हूँ। इसको हम लाइट गोल्डन करेंगे, बिल्कुल लाइट सा कलर हमें इसे देना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन भी नहीं करना। देखें प्याज ने कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। जब लाइट गोल्डन होगी तो फिर हम इसमें लहसुन अदरक ऐड करेंगे। ये देखें हमारी लाइट गोल्डन हो चुकी, बस इस स्टेज पे हमने लहसुन अदरक ऐड करना है। प्याज के साथ इसलिए मैंने लहसुन अदरक ऐड किया है कि लहसुन अदरक में जो स्मेल होती है वो ऑयल में जब हम फ्राई करते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है। बस 1 से 2 मिनट इसको बस हम फ्राई करेंगे थोड़ा। अब इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और ये तमाम ड्राई मसाले जो हैं ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको भूनेंगे। देखिए मसाला थोड़ा ड्राई हो रहा है तो मैं इसमें थोड़ा 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल। देखिए इसमें हमने टमाटर और तमाम ड्राई मसाले ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको भूनूंगी। ये देखें इसमें पानी नहीं है तो ये मसाला जल सकता है, तो इसलिए मैं इसमें आधी प्याली पानी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारे टमाटर और तमाम मसाले जो अच्छे से पक जाएं और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं। और इसको मैं 5 मिनट पकाऊंगी। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं आगे का आपको देखें 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें आलू बैगन ऐड करेंगे। इसको मसाले के साथ मिक्स करेंगे। हमने आलू बैंगन को मसाले में 2 मिनट तक भून लिया है, ये देखें आप। अब हम इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल के इसको कवर करके रख देंगे आलू बैंगन को गलने के लिए, और स्लो आंच कर देंगे इसकी।
15 मिनट्स हो चुके हैं इसको, अब हम चेक करेंगे। देखें अभी इसमें पानी है और बैगन हमारे गल चुके हैं, लेकिन आलू में थोड़ी कसर है, इसलिए हम इसे 10 मिनट और पकाएंगे जब तक पानी भी हमारा ड्राई हो जाएगा। अब हम इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। हमारे बैगन पहले गल चुके थे, आलू में थोड़ी कसर थी, इस वजह से हमने दोबारा कवर करके इसको रख दिया था 15 मिनट के लिए कि आलू सॉफ़्ट हो जाएं। और आलू हमने चेक कर लिए हैं, आलू सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो जाएगा दही, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ये दही भूनते हुए ही डालना है, पहले से हम नहीं डालेंगे दही को, और दही के साथ इसे थोड़ा भूनेंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें आलू बैगन हमारा भून चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है, ये देखें। अब हम हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हम आप इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। देखें हमारे आलू बैगन तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार, इसमें से खुशबू आ रही है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये न्यू रेसिपी है, इसमें मैंने अचार गोश्त का मसाला ऐड किया था न्यू फ्लेवर के लिए कि इसमें, और जो एंड में मैंने दही इसमें ऐड किया है, इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है और बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।